नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हेड़े की बलि उन्हें सर्वाधिक प्रिय थी, इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा का मतलब है कुम्हड़ा और उसका मतलब होता है पेड़ा। कुम्हड़ा की बलि देने की वजह से इनका नाम कुष्मांडा पड़ा और ये बेहद प्रसन्न रहती हैं। और संस्कृत में इन्हें कुम्हेड़े कुष्मांडा कहते हैं। कहा जाता है कि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा करने से उस व्यक्ति की सेहत अच्छी होती है। पूजा के दौरान देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध और भोग चढ़ाना चाहिए। चौथे नवरात्रि में देवी माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके साथ में पीला चंदन लगाएं, कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाएं। एक पान के पत्ते में थोड़ा सा केसर भी ले और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र बोलते हुए देवी को अर्पित करें। माता को खुश करने के लिए ओम कृष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके अलावा दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ करें। ये उपाय खासकर अविवाहित स्त्रियां जरूर करें, इससे उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करें। आखिर में अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें और खुद भी प्रसाद लें। माँ कुष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए पीले वस्त्र जरूर धारण करें। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।